With deaths mounting every passing day in the national capital, the crematoriums have been under immense pressure, and the last responders in the crematoriums and burial grounds who are exposed to the risk of infection have now made an appeal to the government to vaccinate them immediately. Question is, will their pleas be heard or not? Take a look at this report. Deaths are mounting by the day. Bodies burning on pyres non-stop. Crematoriums and cemeteries working on an overdrive. The second wave has overwhelmed the last responders. And now, these last responders have made an emotional appeal. और तकरीबन मैं अब तक 1400 से 1500 डेड बॉडीज दफन कर चुका हूँ कोविड की। सबसे पहले हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए और दूसरी बात है कि हमारे जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं जो काम करते हैं कब्रिस्तान में, सबसे पहले उनको जो मिलना चाहिए वो वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, जिससे वो सबसे पहले अपने आप को सेव कर सकें। These sentiments are echoed by every worker we spoke to at Delhi's ITO graveyard. हम चाहते हैं डॉक्टर और पुलिस वाले को जो है जो कोरोना की दवाई लगा है वो हमें भी सबसे पहले हमें भी लगना चाहिए। Not only at ITO graveyard, at this Ghazipur cremation ground, the worries are very similar. ये जितने भी लड़के हैं सबने ना ये देखा कि ये कोविड है या नॉर्मल है, बस अपने कर्तव्य का पालन किया है, इन्होंने निभाया है। इनको बुखार भी चढ़ जाता है थकावट के मारे, आग है चारों तरफ फिर भी बीच में बोडिया लगा रहे हैं, है ना, तो इनको वैक्सीन वगैरह की व्यवस्था पहले होनी चाहिए। इस कोरोना वजह से एक साल होकर करते हुए सबका काम करवाते हैं और दवाई लगने हम भी वाले रिश्तेदार आदमी हैं, काम करना चाहिए और हमारे वैक्सीन भी लगना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर हैं या सरकारी कर्मचारियों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, उनको और सरकार से हमारा यही निवेदन है कि ये वैक्सीन हम लोगों को भी दी जाए और हमारे घर परिवार वालों को भी लगाई जाए, ताकि हम लोग तो अपनी सेफ्टी तो कर सकें और यहाँ कोई किसी भी प्रकार की हमारे बंदों को कोई वैक्सीन नहीं लग रही है और ना ही कोई किसी भी प्रकार का मतलब कोई सुझाव दिया जा रहा है। ये तमाम लोग हैं जो चाहते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो लग सके, और अभी भी अगर बात की जाए तो तमाम अब यही ये उम्मीद है सरकार से कि इनको भी फ्रंटलाइन वॉरियर जो है वो घोषित सरकार करे, ताकि वो भी अपने आप को अपने परिवार के साथ सुरक्षित जो है वो महसूस कर सके। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ।